आज हम लौंग लतिका बना रहे हैं। इसके लिए हमने 1.5 कप मैदा ले लिया है। ये 1 कप हमने डाला और ये 1/2 कप डाल रहे हैं। अच्छे से मेजर करके डाल दीजिए और फिर हम इसमें 1 चुटकी नमक देंगे थोड़ा सा टेस्ट को एनहांस करने के लिए और टेस्ट को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। और हम इसमें 1 चम्मच पाउडर्ड शुगर डाल रहे हैं और 1 टेबलस्पून घी डाल रहे हैं। डालने के बाद हम इसको अच्छे से गूंद लेंगे आटे की तरह। ऐसे करके आपको अच्छे से इसको आटे की तरह गूंद लेना है। जितना पानी लगे उस हिसाब से आपको एक सख्त आटा गूंद लेना है। और उसके बाद आटे को गूंदने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। लौंग लतिका एक बंगाली स्वीट डिश है। इसमें हम चाशनी में इसको डालते हैं बनाने के बाद, लेकिन हम इसमें कम शुगर का यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसको चाशनी में नहीं डालेंगे। बिना चाशनी के ही ये बहुत टेस्टी होगा और बहुत मीठा भी होगा। देखिए, ये मैदे को हमने अच्छे से गूंद लिया है, बहुत अच्छे से हमने इसे गूंद लिया है। अब हम इसे कपड़े से ढक देंगे। अच्छे से गूंदने के बाद हम इसे कपड़े से ढक देंगे। ढक के हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। अभी हमने बर्फ़ी को हमने ले लिया है और हम उसे कद्दूकस कर रहे हैं। छोटे छोटे पीसेस में हम उसे छोटे ग्रेटर में कद्दूकस कर रहे हैं ताकि हम उसे लौंग लतिका में भर सकें। ऐसे करके आपको सारे बर्फियों को कद्दूकस कर लेना है। जितने लौंग लतिका आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप कद्दूकस कर लीजिए बर्फियों को। देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स को हम छोटा छोटा करके काट रहे हैं। हमने काजू लिया है, बादाम लिया है, किशमिश लिया है और पिस्ता लिया है। अब जो डो है उसमें से हमने पेड़े बना लिए हैं और हमने साइड में लौंग भी ले लिया है। इससे हम मिठाई को सील करेंगे। और ये हमने देखिए छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। इक्वल साइज़ के आपको पेड़े काट लेने हैं डो से जो हमने गूंद के रखा था। ये देखिए, पेड़े को आप ले लीजिए और इसके बाद आप इसे बेल लीजिए। जैसे आप पूरी बेलते हैं वैसे ही आपको इसको बेल लेना है। ये देखिए, हम इसको बेल लेंगे। बहुत पतला नहीं बेलना है। अब हम इसमें मिक्सचर डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स का और बर्फ़ी का। और अब हम इसको, ये देखिए, पहला फोल्ड, दूसरा फोल्ड सील कर लिया हमने, फिर तीसरा और चौथा फोल्ड हमने डाल लिया है। अब हम इसको लौंग से सील कर देंगे। ये देखिए, हमने ऐसे बना के फिर हमने लौंग से इनको सील कर लिया है। हमने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है और हमने इसमें तेल भी डाल दिया है। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा तेल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि तेल को रीयूज़ नहीं करना चाहिए, बार बार एक ही तेल को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमने इसमें एक छोटा सा पेड़े का पीस डाल के देख लिया है कि ये तेल गर्म हुआ है कि नहीं। देखिए, आप ये तेल अभी गर्म हो गया है क्योंकि जो पेड़े का पेस्ट हमने डाला था वो अभी आवाज़ कर रहा है, तो इसका मतलब तेल अभी गर्म हो गया है। अब हम इसमें इसको चेक कर लिया हमने तेल को। ये देखिए, ये गर्म हो गया है, बहुत गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। ये देखिए, ये फ्राई होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा आप इसे हिला के देख लीजिए। ये देखिए, हो गया है। अब हम इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको आपको स्लो फायर में ही तलना है। अगर आप तेज़ फ्लेम में तलेंगे तो फिर ये जलने का डर है, इसलिए आप इसे स्लो फ्लेम में धीरे धीरे तलेंगे। ये देखिए, पहला लौंग लतिका कितना अच्छा देखने में हो गया है। अभी हम और भी इसमें डाल देंगे। आप देख ही सकते हैं, हमने इसमें इनको शैलो फ्राई कर रहे हैं, बहुत कम तेल का हमने इस्तेमाल किया है इसमें। ये देखिए, साइड से पता लग रहा है कि ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, इसका मतलब ये एक साइड से हो गया है। अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए, अब हम इसको पलट लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से सील हुआ है ये।
बहुत ही अच्छी तरह से सील हुआ है और हमने आपको करके दिखाया है कैसे करना है। ऐसे ही आप बनाइए। और इसमें हमने बहुत ही कम चीनी का इस्तेमाल किया है। ये देखिए ये फ्राई हो रहा है। ये देखिए ये लौंग लतिका कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और जैसे आप देख ही रहे हैं हमने इसमें बहुत कम चीनी का इस्तेमाल किया है। और वैसे तो इसका ट्रेडिशनल तरीका ये है कि हम इसे शुगर सिरप में डालते हैं। अगर आप चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, पर हमने इसमें कम चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमने इसे शुगर सिरप में नहीं डाला है, चीनी की चाशनी में नहीं डाला। ये देखिए ऐसे करके हमने सारे लौंग लतिका को तल लिया है। ये देखिए कितने कम तेल में हमने इनको तला है। ये देखिए लौंग लतिका तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी होगा। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय कीजिएगा। इसे आप एक के बजाय दो, दो के बजाय तीन भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम तेल में और बहुत ही कम चीनी इस्तेमाल करके बनाया गया है। आपने देखा ही है हमने इसे शैलो फ्राई किया है बहुत कम तेल में और चीनी भी हमने सिर्फ एक ही टीस्पून लिया है। इसको अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाना चाहते हैं तो आपको इसको बनाने के बाद चीनी की चाशनी में डालना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत गाढ़ी चीनी की चाशनी बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको 1.5 कप चीनी में 1/2 कप पानी दे के चाशनी बना लेना है। लेकिन क्योंकि हमने इसे हेल्दी तरीके से बनाया है, कम चीनी में बनाया है और कम तेल में बनाया है, इसलिए हमने इसे चीनी की चाशनी में नहीं डाला है। पर ये खाने में उतना ही स्वादिष्ट होगा, यकीन मानिए ये बहुत स्वादिष्ट है। ज़रूर बनाइए और मुझे अपने अनुभव लिखिए और ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूँ आप उसे तुरंत देख सकें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते समय ऑल पे सिलेक्ट कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।